आज अपन पढ़ेंगे मधुमक्खियों द्वारा शहद एकत्रित करना। मधुमक्खी अपने छत्ते के अंदर जो शहद बनाती है उसको कलेक्ट करने का जो कार्य है, जो इनका भोजन होता है उसको किस प्रकार इकट्ठा करती है, इस प्रकार के लिए इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। देखिए जो शहद एकत्रित करने का जो कार्य है वो सामान्यतः किया जाता है श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा। श्रमिक मधुमक्खी क्या करते हैं, ये अपने को आपको दो दलों के अंदर बांट देती है। ठीक है, इनमें जो पहला दल होता है प्रथम दल, वो दल को क्या करता है, भोजन की खोज करता है। इन परागकण का अच्छे फूलों के स्रोत अच्छे कहां पर है, परागकण का अच्छे कहां पर है, मकरंद अच्छा मकरंद कहां पर है, उसकी जो खोज करने का जो कार्य है वो किया जाता है पहले दल के द्वारा किया जाता है। जबकि दूसरा दल है खोज होने जाने के पश्चात जो मकरंद है उसको लाने का कार्य करता है। मकरंद एकत्रित करने का जो कार्य है वो दूसरे दल के द्वारा किया जाता है। देखो कैसे, सबसे पहले जो पहला दल है ये खोज में निकलता है और जिस किसी सदस्य को अच्छी क्वालिटी का शहद या मकरंद मिल जाता है तो वो कुछ मात्रा में वहां से मकरंद लेकर के आता है। वहां से मकरंद ला करके जो अन्य जो सभी श्रमिक सदस्य होते हैं उनको कुछ मात्रा में चखने के लिए देता है। उसके पश्चात जैसे ही वो बढ़िया क्वालिटी का होता है तो अब जो सदस्य मकरंद लेकर आया है वो उस स्रोत की दिशा को इंगित करता है, यानी उसके अंदर जो संप्रेषण का जो कार्य है वो करता है। वो कैसे देखना, वो होता है वेगल नर्क के द्वारा। देखो कैसे, अब जो श्रमिक शहद लेकर आया मकरंद लेकर के आया है वो उस दिशा को बताने के लिए सूर्य की दिशा को इंगित करके, जैसे ये सूर्य है उसकी निश्चित दिशा को इंगित करके अपने दाएं और बाएं और गोल गोल घूमता है। अब दाएं और बाएं और दो गोल गोल घूमता है, साथ ही जो अपना उदर है इसको दाएं और बाएं हिलाता है और पंखों को फड़फड़ाता है। उधर को दाएं बाएं हिलाते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए यह जिस दिशा के अंदर जाता है वो ही स्रोत की दिशा होती है। अब जो दूसरा दल है जिसको शायद एकत्रित करने मकरंद एकत्रित करना होता है, ये दूसरा दल इसके पीछे पीछे मकरंद लाने के लिए चला जाता है। अब ये जो दूसरे दल के जो श्रमिक है वहां से मकरंद को लेकर के आते हैं तथा छत्ते के अंदर जो छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं उसके अंदर मकरंद को डाल देते हैं, यानी छत्तों के कोष्ठों के अंदर मकरंद भर देते हैं। उसके पश्चात ये दूसरा दल के जो श्रमिक है ये जैसे ही छत्ते के अंदर मकरंद को डालते हैं उसके ऊपर पंखों की सहायता से हवा करते हैं तथा पंखों की सहायता से हवा करने से इस मकरंद के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है वो उड़ जाता है और जो शहद है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार तो जो मधुमक्खियां हैं उस शहद को एकत्रित करने का कार्य करती है। अब जो नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है शहद प्राप्त करने, मानव है उस शहद कैसे प्राप्त करता है। शहद प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक तो प्राकृतिक विधि दूसरी कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि क्या है सबसे पहले ये देखो, इस विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति शहद प्राप्त करता है वो छत्ते के नीचे बैठ करके धुआं कर देता है या आग जलाता है और आग से धुआं करता है और अपने शरीर पर मधुमक्खियों से बचाव के लिए एक मोटा कपड़ा लपेट लेता है तथा छत्ते को दबा करके शहद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, जैसे वो छत्तों को दबाता है तो छत्ते में उपस्थित जो लार्वा प्यूपा तथा अंडे होते हैं वो भी शहद के अंदर मिल जाते हैं जिससे शहद दूषित हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो विधि है वो है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि के अंतर्गत मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पाला जाता है तथा उनसे शहद प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम विधि से जो प्राप्त शहद होता है वो बिल्कुल शुद्ध शहद होता है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम विधि से शहद मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अपने भारत के अंदर कुछ जो प्रशिक्षण केंद्र है वो निम्न है। देखो, खाती ग्रामोद्योग विद्यालय जयपुर, सेकेंड है राजस्थान खाद्य संघ शिवदासपुरा, ये भी जयपुर में स्थित है। नंबर 3 कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा,
नंबर चार, राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र जोलीकोट नैनीताल यूपी। ये सभी मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। भारत के अंदर जो सर्वाधिक शहद है वो प्राप्त किया जाता है बिहार, तमिलनाडु, केरल व मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक शहद है वो उत्पन्न किया जाता है। अब जो अपने जो शहद को प्राप्त करने की कृत्रिम विधि है या जो जिसको बोलेंगे अपन मधुमक्खी पालन, उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे।